तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं पीओके के साइड पे, आओ उनको हेलो करते हैं, हाय करते हैं। हेलो हेलो आवाज आई आपको? यहाँ के लोकल लड़के हमारे कह रहे हैं लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। मैंने कहा लास्ट नहीं है भाई, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया है। फर्स्ट ही हो ना ऑब्वियसली, लास्ट थोड़ी हुआ। क्यों फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए? बात एक ही है, अपना जो प्ले ग्राउंड है ना वो है इस साइड पे, यहाँ पर हमारे लड़के खेल रहे हैं वॉलीबॉल। तो ये रिवर के साइड इनका एरिया है, रिवर के साइड हमारा एरिया है। लेकिन ये सारा सामने का व्यू है, अभी ऊपर से हमें ऐसा दिख रहा है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरन। और केरन कहाँ पड़ता है? केरन एक्चुअली पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान का 0 पॉइंट। ये आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हो। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं नेवर सीन बिफोर कश्मीर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। नेवर सीन बिफोर जो कभी देखा नहीं गया, कभी दिखाया नहीं गया। मेरा प्लान एक्चुअली मोटिव यही है कि इस बार मैं कुछ ऐसा ही देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। पीछे आप कैंप देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली कल स्टे किया था रात को और ये खड़ी अपनी बाइक चार्ली। एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि चार्ली इज़ द फर्स्ट बाइक एवर जो यहाँ पर पहुँची है। इससे पहले कोई भी बाइक इस लोकेशन पे आज तक नहीं आई है। और मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा है पीछे, ये मैं पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखा चुका हूँ कि ये जो है, ये है, मैं खड़ा हूँ इंडिया के पूरे सेक्शन में। वो जो आपको दिख रहा है वो है किशनगंगा रिवर, और उसके आगे जो है वो है सारा पीओके। हार्डली यहाँ से 50 मीटर पे ही पीओके है, कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आप आराम से एक दूसरे को हेलो हाय बातचीत कर सकते हो। लेकिन ये जो 50 मीटर है ना, ये अभी भी बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है। आगे एक्चुअली 200-300 मीटर आगे जाने पे एक आध लोकेशन ऐसी आती है जो 50 मीटर का डिस्टेंस है, ये कन्वर्ट हो जाता है 20 मीटर से। तो मतलब आप इतनी पास होते हो, उनके होटल्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो आज का मेरा प्लान ये है कि आज मैं केरन में हूँ, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली एक्सप्लोर करूँगा, चीज़ें देखूँगा, क्या क्या है यहाँ पर, कैसा गाँव बना हुआ है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए हैं। तो अभी चलते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि आज के दिन में मैं यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो अब मैं आपको इस टेंट का प्राइस भी बता देता हूँ। इस टेंट का एक्चुअली प्राइस पे करना पड़ता है यहाँ पर 600 रुपीज़, और 600 रुपीज़ में आप यहाँ पर एक बंदा भी सो सकता है और दो बंदे भी रह सकते हैं। 600 रुपये ही चार्जेस है पर टेंट के हिसाब से चार्जेस हैं। मैं तो सोलो ही हूँ तो मैंने 600 रुपये पे किए हैं। अगर आप दो भी आते हो तब भी आपको 600 रुपये ही पे करना है। और ऐसी कुछ लोकेशन के सामने 600 रुपये पे करना, यार क्या मतलब, आप खुद देख सकते हो कितना डिसेंट और कितना अच्छा स्पेशियस है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये जो एरिया है ये एक्चुअली है किचन एरिया, तो एक बार आपको छोटा सा किचन एरिया भी दिखा देते हैं। हेलो भैया, क्या बनाओगे मेरे लिए ब्रेकफास्ट में? इस टाइम मैगी बनाई है। मैगी बनाओगे? अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे आप? सर गोली मत देना, पहले हम जाएंगे कोबरा। कोबरा, तत्ता पानी। अच्छा, और किरण बाला। हम ये प्रोग्राम तीन जगह पे किया है। तीनों जगह, चारों जगह दिखाओगे? अच्छी तरह से घुमाना मेरे को। हैं, चलो मैगी बना दो फिर। तो अच्छा यार, अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम बिलाल। बिलाल, तो भी अपने बिलाल भाई हैं। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं पीओके के साइड पे, आओ उनको हेलो करते हैं, हाय करते हैं। हेलो हेलो आवाज आई आपको? हेलो जो वहाँ पाकिस्तान की साइड पे, मतलब पीओके की साइड पे पाकिस्तान के लोग जो हेलो वहीं कर रहे हैं, उनका आपने आवाज भी सुना होगा। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
बस इतना सा फासला है, वो इधर नहीं आ सकते, हम इधर नहीं जा सकते, चाहे हमारे पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, हम वहाँ नहीं जा सकते और वो यहाँ नहीं आ सकते। कह रही इधर आ जा मुझे कह रही है इधर आ जा मरवाएगी क्या, गोली खाऊंगा क्या? हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो। यार चीटिंग कर रहे हो यार, ऐसे यार मेरे को छोड़ के बंगस जा रहे हो यार, ऐसा मत करो। देखो यार ये लोग जला रहे हैं मुझे और ये लोग जा रहे हैं अब बंगस। कल रात को इन्होंने यहीं पर स्टे किया था, हम रात को बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पर, गप्पे शप्पे एक डेढ़ घंटा इनसे मैंने पूरी बातें करी। अच्छा सच सच बताओ कितने लोग घर में झूठ बोल गया है? देखो देखो सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। इन्होंने बताया कि यार इतना इजी नहीं होता कि मतलब दे दे कि दोस्तों के, तो ऑब्वियसली यार घर वालों को होता है ना कि दोस्तों के जा रहे हैं मस्ती करेंगे बेकार की, तो इनमें से एक दो थोड़ा समझ सकते हो ना क्या कर गया है। एनीवे सब घर वाले देखेंगे लोग पकड़ लेंगे कि हाँ पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, दोबारा आओगे यहाँ पर? हाँ वो आएंगे इंशाल्लाह। अपने फ्रेंड्स को और बताओगे? उनको भी बोलोगे कि उनको भी बोलोगे कि घर पे झूठ बोल गया? वो कह रहा हाँ, वो कह रहा हाँ बोला उसने पहले, उसने बोला ये तो पार्ट ऑफ गेम। तो चलो यार बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो पहले जो था ये किशन गंगा रिवर जो थी ना, ये एक्चुअली थी ये उस साइड पे थी, और एक बार बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ आने की वजह से वो जो सारा एरिया है ना, वो सारा जितना भी एरिया था वो सारा पीओके के अंडर चला गया। और आज भी आप गूगल मैप्स में देखोगे तो वो वाली जो ये आपको ब्लू बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके बीच में से लाइन जा रही है। तो आज भी पूरे गूगल मैप्स में भी आपको दिखेगा कि ये सारा एरिया प्रॉपर इंडिया के अंडर आता है। और बट किशनगंगा रिवर बाढ़ आ गई थी, तो जिस वजह से ये अब इस तरह से बंटवारा हो चुका है कि ये वाला किशनगंगा रिवर और वो वाला जितना भी है वो सारा पीओके का एरिया है, और अभी हम लोग बैठे हैं इंडिया में। तो अभी आप मुझे काफ़ी चीज़ें बता रहे थे इस एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कि वो कैसे इतनी जल्दी डेवलप कर गए और हम यहाँ पर एकदम पीछे रह गए। उनका ऐसा हो गया सर, ये 97 के बाद जब से उनने फिर लोगों को फॉलो किया, यहाँ लोग आने शुरू हो गए, तब से इन लोगों ने क्या काम किया, बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, तब से होटल बन गए इनके सर। उसके बाद ये कौन से टाइम की बात है, 97? ये 97 के बाद 2005 में इन्होंने काम शुरू कर दिया। 2005 में इन्होंने स्पीड पे काम शुरू कर दिया, स्पीड पे काम शुरू कर दिया सर। तब से इनका रोड भी अच्छा था और इनको मतलब कुछ दुश्वारियाँ भी नहीं हुई बनाने में, एकदम इन्होंने बनाई और लोग भी आने शुरू हो गए सर। यहाँ तो अमेरिका के भी आते थे और बाहर से फॉरेन से भी आते थे, वो केरन को देखने आते थे सर। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हालात ठीक नहीं थे, जिस वजह से गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना पड़ा कि यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब जैसे जैसे ये कह रहे हैं कि अभी 2 साल ही हुए हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, 2 साल ही हुए हैं, 2 साल हुए हैं सर, तो यहाँ पर सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी हुए हुए, और अभी 2 साल ही हुए हैं जो रोड भी बनी है, जो मैं आया हूँ, जो बहुत प्यारी रोड बनी हुई है कहीं कहीं सेक्शन में, तो वो भी अभी 2 साल ही हुआ पूरा रोड का बने हुए भी। बाकी कहते हैं कि ये जो है ना पूरा वैली इस साइड पे जो है, ये कहते हैं नीलम वैली है, और नीलम वैली कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है। ऑब्वियसली एज एन इंडियन हम वहाँ पर नहीं जा सकते, जितने हाई मिनिस्टर में बात कर ले हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो बस इतना ही बोलूँगा आप लोगों से कि जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को एक बार दिखाओ, ये जगह बहुत खूबसूरत है। इट्स हाई टाइम कि अब हमारे को इस जगह को प्रमोट करना है, हमारी ड्यूटी बनती है एज एन इंडियन कि इस जगह को अब प्रमोट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया हम लोगों को, हमें परमिशन मिल रही है। आपको चाहे ऑफलाइन परमिशन बनानी है तो ऑफलाइन आप परमिशन बनवा सकते हो जाके कुपवाड़ा ऑफिस में, अगर आपके यहाँ कुपवाड़ा ऑफिस जाने का टाइम नहीं है डीसी ऑफिस में, तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो। ऑनलाइन मेरे ख्याल से कुपवाड़ा की कोई वेबसाइट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसे घर हैं, और ऐसा एक आध घर नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे पुराने घर हैं। और अभी मुझे बिलाल भी बता रहे थे कि ये जो घर है ना, एक्चुअली ये 1990 से पहले ना लोग ना माइग्रेट कर गए थे, और माइग्रेट कहाँ कर गए थे, ये पीओके साइड पे या फिर पाकिस्तान साइड पे ना ये माइग्रेट कर गए थे। तो ये प्रॉपर्टी भी जैसे है ना, ये काफ़ी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे यहीं पर ही, और जो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ऑब्वियसली ऐसे ही काफ़ी। हम अंदर जा सकते हैं हम ऐसे देखने के लिए? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं आती ना? ये भी सही है। तो देखो चलने का रास्ता कैसे बना रखा है यहाँ से, ये भाई पक्की है ना, मेरी कुंडली वैसे भारी है इन चीजों के अंदर भाई, ये पुरानी सीढ़ी ऐसे कुछ नहीं होगा इसका क्या मतलब है, वेलकम 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 को लिख दिया वेलकम। चलो खजाने का दरवाजा, ओ हो हो हो, चलो यार तुम चलो आगे।
चूहा कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं चाहिए इस लोकेशन पे, चमकादड़ अमकादड़ नहीं, यहाँ ठीक है, वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है। ये खाली क्या 90 सही खाली है, ये 90 में पार चले गए, वो उधर माइग्रेट हो गए थे, उधर के साइड शिफ्ट हो गए थे, ये 90 से पहले की बात है, अभी यहाँ कोई नहीं रहता। 90 में चले गए जब हालात खराब हो गए। अच्छा 90 में हालात खराब हो गए थे तब चले गए थे, हम तीन भाई थे दो पार चले गए। अच्छा आप ही के भाई का था, अरे क्या बात है, तो बहुत सही आप मिल गए 90 में, तो अब तो मिलना कुछ भी नहीं हो सकता होगा। फोन पे कहीं कभी कभी मिलते हैं। अच्छा मिलते हैं, मतलब फोन पे व्हाट्सएप से मतलब वीडियो कॉल करके देख लेते हो एक दूसरे को। तो ऐसा है, हमें यहाँ पर ओनर भी मिल गए जो एक खाली है, इनके भाई का ही है, हम साया रखे यहाँ। तो कई बार ऐसा नहीं होता मिलने जाने देते हैं आपको वहाँ पर, कभी कभी होता है कि वीजा लगा के आप वहाँ चले गए मिलने, जाते हो मिलने के लिए? जाते हैं। तो कहाँ पर रहते हैं वो, यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं वो लोग? वो नीचे रहते हैं मुजफ्फराबाद में। तो आप गए हो पाकिस्तान की साइड पे वहाँ पर? तो मिलने अभी आप कह रहे हैं मिलने जाते हैं? नहीं जाते हैं, कोई कोई जाते हैं। अच्छा कोई कोई जाते हैं, आप कभी नहीं गए, आपने उस साइड कभी नहीं देखा? नहीं सर उस साइड नहीं देखा, कभी मन नहीं करता कि कभी भाई से मिल के आऊं उस साइड पे कभी? पासपोर्ट बनाएंगे आप? अच्छा पासपोर्ट बना के कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ आता है? छुट्टी नहीं मिलता आपको? ठीक है यहाँ कोई तकलीफ आता है? नहीं 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 सब ठीक रहता है। काका क्या हाल है? सो गाइज आपको ये दिख रहा है सारा, ये किशनगंगा रिवर, और ये सामने आपको दिख रहा है एक अच्छी सी प्यारी सी रोड जा रही है। ये सारे होटल बने हुए हैं, इतने सारे, मतलब अगर मैं गिनने भी बैठूंगा तो शायद गिन नहीं पाऊंगा, इतने होटल हैं, लाइन से होटल हैं। ये कितने होंगे, 500,000 होटल होंगे बिलाल? होंगे है ना, रोड एक नंबर बना रखी है, और होटल मतलब काउंटलेस होटल है। तो ये है अदर साइड ऑफ कश्मीर, ये है वहाँ पर एक इनकी पाकिस्तान की एक गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पर, और थोड़ा यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको दिखेगा, तो यहाँ पर भी एक इनका एक टूरिस्ट व्हीकल खड़ा है, और हर जगह पर यहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही है। वो देखो एक मोटरसाइकिल जा रही है कहाँ पर, अगर आपको दिखेगा तो ये देखो ये मोटरसाइकिल भी यहाँ पर जा रही है। ये एरिया जो है ये टीटवाल को फेल करता है। टीटवाल में क्या होता है, आप जाते हो और आप नीचे रहते हो, इनकी रोड खाली ऊपर दिखती है और पहाड़ दिखता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ यूनिक सा नहीं दिखता, बट फिर भी एक बॉर्डर पे पहुंचने पे आपको खुशी होती है, एलओसी पे पहुंच के 0.0 लाइन पे पहुंच के खुशी होती है, वो खुशी नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम देख के यार क्या बोलूँ मैं, लेकिन मैं हर वीडियो में बात बोल रहा हूँ, इनकी जो है ये टूरिज्म 2007 में स्टार्ट हो गया था, हमारा अब स्टार्ट हो रहा है 2022 में, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया, इंडियन आर्मी ने इनिशिएटिव ले लिया है, और वो बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है टूरिज्म यहाँ का बढ़ा दिया जाए बिल्कुल, और इनको पूरा टक्कर दी जाए, और अच्छा है दोनों तरफ से अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों तरफ का अच्छा है। अगर देखो वहाँ के भी लोग अगर आते हैं ना तो उनको क्या है, वहाँ पर बैठ रहे किशनगंगा रिवर और यहाँ कुछ है नहीं, ऑब्वियसली क्या मज़ा आएगा उन लोगों को भी। अगर अपनी साइड पे भी ऐसा कुछ बन जाता है तो वहाँ पर भी टूरिज्म ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि उनको भी देखने के लिए आएगा, यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उधर से ज़्यादा टूरिस्ट दिखेगा, हेलो हाय होगा। तो ये 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 दोनों तरफ से मुझे लगता है बहुत सही है। और उधर मैं आपको दिखा दूँ, वो देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये जा रही है इनकी गाड़ी, और ये काउंटलेस होटल हैं भाई, काउंटलेस, मैं इनको काउंट नहीं कर सकता। और अभी हम कितना आगे जा सकते हैं, बस इसके आगे क्या है फिर? इसके आगे आते हैं गोरमानी, नहीं जाने देते, एक बार यहाँ तक चलते हैं देखते हैं क्या है आगे तक, लास्ट पॉइंट जो मतलब सिविलियंस अलाउड है वहाँ तक देख लेते हैं, उसके आगे एक और विलेज आता है बोर, तो बोर तक अलाउड नहीं करते। मैं अभी यहाँ पर 10-15 मिनट बैठूंगा और गाड़ियों को देखूंगा, यहाँ पर कोई जाएगा तो उसको टाटा बाय बाय जरूर करने वाला हूँ। सो अभी हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस पे, बिल्कुल हमारी कैंप साइट के साथ में ही, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किरान ब्रांच, और ये तो बैंक है भाई, अच्छा पोस्ट ऑफिस है। ओहो इंडिया पोस्ट, और ये लोग कह रहे हैं मेरे पीछे जो खड़े हैं यहाँ के लोकल लड़के हमारे कह रहे हैं लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, मैंने कहा लास्ट नहीं है भाई, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया है। फर्स्ट ही हो रहा ऑब्वियसली, लास्ट थोड़ी होगा, क्यों कह रहे हैं
बात एक ही है बट स्टिल फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया हम लोग कहेंगे। तो अगर आपको मेरी उंगली के इशारे पे दिखेगा ना इस जगह पर, तो यहाँ पर लगा हुआ है पाकिस्तान का एक फ्लैग भी है यहाँ पर, अगर आपको दिखेगा यहाँ पर। और कल एक्चुअली यहाँ पर बहुत अच्छा क्राउड था, मतलब हो सकता है शाम को दोबारा हो जाए, लेकिन आज उतना नहीं है जितना कल क्राउड था। कल काफ़ी अच्छा क्राउड आया हुआ था, यहाँ पर भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे, इस साइड पर भी कल काफ़ी लोग खड़े हुए थे और इस साइड पर भी काफ़ी सारे लोग थे। अभी हो सकता है अभी 6 बजे 7, 7:30, 8 बजे तक क्लियर, वैसे भी रोशनी रहती है यहाँ पर 7:30 बजे तक, तो हो सकता है 7:30 बजे तक काफ़ी लोग दिखे मुझे। आपको अगर वहाँ दिखेगा वो देखो पाकिस्तान के लोग वहाँ पर, ये देखो ये बाउंड्री है खाली जिसने दो कंट्रीज को बांट रखा है। आई विश ऐसा कभी हुआ ना होता तो हम लोग वहाँ ट्रैवल करते, मतलब वहाँ के लोग यहाँ ट्रैवल करते, आई विश ऐसा कभी हुआ नहीं होता, बट स्टिल जो है सो इसको हमें एक्सेप्ट करना ही है, बट वेरी नाइस। ये भाई डांस कर रहा था वहाँ से ना, बहुत जोर से गोली चलने की आवाज आई उस साइड से, पटाका मेरे को लगा गोली है, मैंने इसे पूछा भाई हो गया कांड, मेरे आते ही ये काम हो गया, पर इसने बताया नहीं शादी हो रही है, डांस कर रहा था ऐसे तो मुझे लगा ठीक है भाई उस साइड पे, मतलब अभी आवाज भी आ रही है ढोल बोल की है ना उस साइड हो रहा है, डांस कर दे भाई डांस मूड नहीं आ रहा है कर रहा था मैं। तो अभी हम यहाँ ऑफ रोड से ऊपर करके आए हैं केरन बाला जो विलेज है वो देखने के लिए, बट उससे पहले मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अब हम ऊपर आ गए हैं काफी और अब ऊपर से व्यू दिख रहा है, और ये पहली बार है मेरे को यहाँ से एक्चुअली अब दिख रहा है, ये आपको दिख रही है ये जगह, ये देखो ये जा रही है रोड इनकी, अमेजिंग वेरी नाइस। और इधर तो दिख रही है और आपको अगर दिखेगा तो कहाँ गई, हाँ ये रही ये रोड जा रही है, एक इधर से भी रोड जा रही है, ये घूमते घूमते जा रही है, ये घूमते घूमते इधर से, और ये वाला पूरा विलेज है मतलब इनका सारा केरन का एरिया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब कि कितने सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और यहाँ पर इनकी पार्किंग एरिया है, कितना सारा कितना बड़ा पार्किंग एरिया है, वहाँ पर एक क्रिकेट मैदान सा बना रखा है, पिच भी बना रखी है, ये जगह पे ये पिच बना रखी है, तो यहाँ पर बच्चे बड़े खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। और अपना जो प्लेग्राउंड है ना वो है इस साइड पे, यहाँ पर हमारे लड़के खेल रहे हैं वॉलीबॉल, तो ये रिवर के साइड इनका एरिया है, रिवर के साइड हमारा एरिया है। मुझे पता है मैं कितनी बार ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि ये रहा ओके ये रही किशन गंगा रिवर, ये रहा मैं इंडिया में खड़ा हूँ, लेकिन आप खुद इमेजिन करो अगर आप मेरी जगह पे होते तो आपका क्या रिएक्शन होता। हम जो टीवी में न्यूज़ में हर जगह हमेशा सुनते हैं अदर साइड ऑफ कश्मीर के बारे में, ऐसा कश्मीर होगा ये मैंने सोचा नहीं था, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ। अब मैं एक बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पॉइंट में आ चुका हूँ और वहाँ पर आपको अगर दिखेगा तो वहाँ पर सारी ये इनकी प्रॉपर्टी है, जहाँ होटल हैं वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और इनकी पूरी सड़क यहाँ पर दिख रही है, गाड़ियाँ चलते हुए दिख रही हैं। आज संडे का दिन है, आज मुझे बताया था कि ज़्यादा क्राउड होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ही यार क्राउड कम है, पर कल ज़्यादा था, लेकिन कल मैंने ये वाली चीज़ें कवर नहीं करी कि मुझे लगा ठीक है। बट मैं फिर आपको यही चीज़ बोलूँगा गाइस, मैं पता नहीं कितनी बार ये वीडियो में बोल चुका हूँ, और आओ यहाँ पर, इससे ज़्यादा यूनिक जगह, इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको शायद ही कहीं पर दिखेगी। यूनिक का आपको पता ही है रीज़न, ऐसी लोकेशन पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, वो आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता लग रहा है। ये वाला जितना भी आपको सेक्शन दिख रहा है, ये वाला पहाड़, ये जितना भी एरिया दिख रहा है, ये सारा पीओके के अंडर आता है, और इसके पीछे है नीलम वादी, नीलम वैली जिसे ये लोग बोलते हैं, और कह रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा डेवलप है और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। आइए थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा बताइए, इससे ज़्यादा खूबसूरत है वो वाला सर, पूरा अच्छी तरह से बना रखा है वो वाला भी, तो ये यही इससे ज़्यादा खूबसूरत है, इससे ज़्यादा, क्योंकि वो क्या है अपर एरिया के अंदर आता है, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारे, मतलब रात को ना मैं नीचे से देखता हूँ तो ये जो पहाड़ है ना पूरा ऐसे लाइट से जगमगा रहा होता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, इतनी रोशनी होती है इस जगह पर, और अपना जो एरिया होता है वो थोड़ा सा सुनसान होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, आप भी चाहते हो यहाँ टूरिस्ट आए, ओके सर, आप चाहते हो यहाँ पर टूरिस्ट आए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो देखो इनका भी यही सोच है कि डेवलपमेंट हो और इस जगह को हम जितना से सारा, देखो रोड देखो, एक मिनट थोड़ा सा साइड इधर हल्का सा इधर आइए, ये आपको रोड दिख रहा है, ये सारा रोड जो है ये अपना रोड है, कितना प्यारा और कितना अच्छा रोड बना रखा है। और अपने पास देखो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी खाली लैंड है, और पूरा जमीन पूरा खाली हो रखा है यहाँ पर, और अपना भी यहाँ पर अगर बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मुझे तो इस जगह से प्यार हो गया, मुझे लगता है कि मैं, मेरा प्लान था एक रात रुकूंगा, मैं 2 रातें रुक रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल भी रुकूंगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मैं जो फील कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। तो मुझे लगता है बहुत बातें कर ली हैं, अभी भाई साहब नीचे चलते हैं और
देखते हैं और क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। तो गाइस आपने वसीम भाई को मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, एक्चुअली ये इन्हीं का घर है और ये भी यहाँ पर पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े। और मेरे को बाद में पता लगा कि एक्चुअली यहाँ पर टीचर है, है ना, मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल या फिर कैसा, मिडिल स्कूल में अभी। अच्छा अच्छा, तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप क्या यहाँ पर कर रहे हो? मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। हाँ। कि आप कैसे इसको लोग जो आ रहे हैं उनको कैसे वेलकम करेंगे। अच्छा। हाँ, आपको कैसे लोगों को बताना है, दिखाना है यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए है, मुझे पता है क्या है, केरन क्या है। हाँ। टूरिस्ट क्यों आए ये मैंने सब बता दिया लोगों को पिछले व्लॉग में। अब मेरे को ये बताओ, मुझे पीछे इन्फॉर्मेशन मिली जो आपने नहीं दी, आप एक घर बनाया आपने जो आप एक टाइम के बाद आप स्टार्ट करोगे दोबारा, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आके रह सके या अपना भी, तो कुछ दिखाओगे कैसा यहाँ पर बना है? अरे यही है, क्या बात है, आओ आप आओ आगे चलो, हमें को दिखाओ जरा। तो ये अभी बिल्कुल आपकी नई कंस्ट्रक्शन है ये वाली? दो महीने में ये कंप्लीट होने वाला है। अच्छा। हाँ। तो ये क्या अपने लिए बना रहे हो या फिर कैसा कर रहे हो? खाली टूरिस्ट के लिए बना रहे हैं हम ये। खाली टूरिस्ट के लिए बना रहे हो? कितने रूम्स हैं या क्या हिसाब किताब? अभी 4 रूम नीचे बनाए हुए हैं, 2 रूम ऊपर है, 6 रूम का है। 6 रूम हैं आगे, 10 बाय 12 के 6 रूम है इसमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप मतलब आप अपना घर यहीं पर ही और ये टूरिस्ट के लिए अटैच वॉशरूम वगैरह का कंसेप्ट इसमें हमने रखा है। अच्छा। वेली से टूरिस्ट आता है वो पहले कहता है कि मुझे इस टाइप का घर होना चाहिए। तो ये कितने टाइम में आपका हो जाएगा मतलब रेडी? 2 महीने तक तो हो जाना चाहिए। 2 महीने में हो जाएगा। हम कर रहे हैं इसका छत जो है आप देखेंगे डिफरेंट टाइप का है, डिजाइनदार है और इसमें ईंटें हमने वेली से लाके लगवाई हैं। ये छत अलग ही है, क्या ये टीन है, ये क्या चीज है? ये टीन का छत है ना, टीन का है। और ये लकड़ी का नहीं बनाया, पर आपने पुराने स्टाइल वाला नहीं बनाया आपने? पुराने स्टाइल वाला नहीं बनाया, वो तो बहुत घर है ये आपके इस साइड को, ये घर है। तो ऐसे और बहुत सारे यहाँ पर बन रहे हैं या आप ही ने इनिशिएटिव लिया कि ऐसे स्टार्ट करूं? आपने कर दिया है। जब टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे तो लगभग लोग बनाना शुरू करेंगे, इस तरफ को भी होटल बनाएंगे। हाँ। इसको निकाल के हाँ। बड़ा होटल खड़ा करेंगे। अच्छा, अभी मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मुझे तो नहीं कहोगे कि 5,000 का कमरा आपके लिए? देखो मैं पहले वीडियो में ना रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ और अपनी पहली बुकिंग करके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा रूम बुक हो चुका है यहाँ पर पहले ही और मैंने प्राइस का बोल दिया कि इतना खर्चा मैं नहीं लूंगा। पहली बार जब आप रहेंगे तो बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई चार्ज आपका नहीं होगा। क्या बात है, आपको चार्ज। चलो यार, ये देखो इनका घर है आगे, अभी ऐसे बहुत सारे लकड़ी के भी घर है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वसीम भाई आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इनको और दिखा देता हूँ, है ना, आपसे मिलता हूँ शाम को दोबारा। तो ये नो देखो मैं अभी आया, अपना जो कैंप साइट है ना वो जस्ट ये रहा, इसके इधर ही। और इधर ये देखो मेरे को एक चीज दिखी, ये खोखला, ये भाई ये खोखला पेड़ का क्या स्टोरी है, कुछ बता दोगे? सर ये पहले सीधा पेड़ था, बच्चे ने इसमें आग लगा दी यार, तो ये खोखला बन गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, देखना इधर से पूरा, एक मिनट हटना यार, अखरोट बहुत पुराना है ये अखरोट का पेड़ है देखो। और यहाँ पर देखो ये पूरा खोखला कर दिया है और ये अभी भी पूरी जान है इसके अंदर और वैसे ही हरा भरा है, अभी भी अखरोट लगे हुए हैं ना। हाँ। तो बच्चों ने आग लगा दी इसके ऊपर, खेल खेल में आग लगा दी ऊपर से। तो फिर इसको बुझाया, पानी वानी डाला? हाँ, फिर पानी डाला। ऐसे कौन सा गेम खेलते हो यार तुम लोग? हम कहाँ खेलते, बच्चे खेल रहे थे छोटे, लगा दिया। ये देखो फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये देखो फिर भी यूनिक सी चीज है ना, ऐसा कभी शायद देखा ना हो कि बिल्कुल खोखला पेड़ दिख रहा है आपको और फिर भी उसके अंदर पूरा दम है, इतना बड़ा पेड़ है पूरा हरा भरा है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम बताऊं, इस समय रात के 9 बज रहे हैं और आज लकीली यहां पर कोई गेस्ट नहीं है, तो अकेला हूं मैं यहां पर और कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, अकेला एंजॉय कर रहा हूं यहां पर। काफ़ी देर से वहां पर बैठा हुआ था, बिल्कुल किशनगंगा रिवर के सामने बैठा हुआ था और सामने का व्यू ले रहा था। ज़्यादा लोग मुझे सामने भी नहीं दिख रहे, कल परसों से जब मैं आया था उस दिन काफ़ी अच्छा क्राउड था, लेकिन उसके बाद मुझे ज़्यादा क्राउड दिखा नहीं सामने का भी। बट कहते हैं कि सैटरडे संडे जो होता है सबसे ज़्यादा मेन क्राउड होता है, तो अब हम एक काम करते हैं ना, सैटरडे संडे नहीं, यहाँ पर मंडे टू संडे बिल्कुल रश लगा देंगे, ठीक है, अपना अब यही प्लान है। तो आई होप जो मैंने आज आपको ये विलेज दिखाया पसंद आया होगा। तो ये है बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट केरन, जो शायद ही आपने कभी पहले देखा हो। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपसे इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम केरन, बाय बाय।